हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के कोडोन्स के बारे में और जेनेटिक कोड की स्पेसिफिसिटी के बारे में, यानी कि जेनेटिक कोड की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक कोड के कोडोन्स के बारे में। आप यहाँ पर जिस तरीके से ये चेकर बोर्ड देख रहे हैं, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड में जब जॉर्ज लिमो ने कार्य किया था तो उन्होंने देखा था, सिंगल नाइट्रोजन बेस से देखा, उन्होंने फोर कोडोन बनते हैं, पेयर बनाकर देखा, दो दो का जोड़ा बनाकर देखा तो उन्होंने देखा 4 × 4 = 60 कोडोन बनते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके से हम 20 अमीनो एसिड जो है उनके लिए कोडोन नहीं बना पाते। हम जानते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो एसिड की जरूरत है, तो हमें 20 कोडोन ही mRNA पर चाहिए, 20 टाइप्स के कोडोन चाहिए। ओके, 20 टाइप्स के कोडोन चाहिए। तो 20 टाइप्स के कोडोन बनाने के लिए जॉर्ज लिमो ने देखा कि हम नाइट्रोजन बेस का जो है तीन का सीक्वेंस बनाते हैं, और तीन का जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तो 4 × 4 × 4 = 64 कोडोन हमारे पास क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। और 64 कोडोन जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड को कोडित करने के लिए सफिशियंट होते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं 64 कोडोन्स के बारे में। तो आप देखिए, ये चेकर बोर्ड है, इसमें UCAG की सीक्वेंस में आप इनको लगा देंगे नाइट्रोजन बेस को, और फिर जाकर आप कोडोन बनाएंगे। एक कॉलम में आप 4 कोडोन बना सकते हैं। कोडोन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो ये यू जो है, इस यू का क्रॉस हम यू से करा रहे हैं, यू को साथ रखा है इस कॉलम में। तो देखिए यू 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 ये हो गए, तो ये 4 यू ये वाले व्यक्ति है, 4 यू ये वाले व्यक्ति, यू यू। ओके, अब इस लाइन को पूरा होगा तो ये तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से 64 कोडोन बनेंगे। इस लाइन को हम कंप्लीट यहाँ पर लिख देते हैं यू सी ए और जी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास 4 कोडोन इस टेबल में तैयार हो गए। ओके, 4 कोडोन तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से आप और इसको फिल करेंगे, तो वही फिल करने का तरीका है, पहले आप 4 बार यू को लिख लोगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, 4 बार यू के साथ क्या लिखना है, सी लिखना है, और इसके बाद आप ये जो लाइन है इस लाइन को दोबारा उतारोगे, यू सी ए और जी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके लिए। इस तरीके से हम कोडोन जो है उनको निर्मित करते चलेंगे। तो किसी भी हम इसमें जो खाना है, किसी भी खाने को हम फिल कर सकते हैं। तो 4 कोडोन बन रहे हैं तो आप लगा सकते हैं 4 × 8 = 12 × 4 = 16। ठीक है, 4 × 4 = 16 होता है, तो 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, और 16 × 4 = 64। तो 64 कोडोन यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। तो मैं आपको और किसी कॉलम को बताता हूँ, जैसे अगर हम किसी और कॉलम को देखें, तो जैसे मैं इस कॉलम को फिल करूँ तो आप देखेंगे इस कॉलम को फिल करना है मुझे, तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। तो मैं पहले तो 4 बार क्या बनाऊंगा, ए, उसके बाद मुझे 4 बार किसको लिखना होगा, यू को, और उसके बाद मुझे 4 बार किसको लिखना होगा, U, C, A, G। ये आपके पास लाइन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरी साइड को जो है भर सकते हैं, और 64 कोडोन्स को क्या कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई इस साइड के बारे में हमारी बात। अब ये जो 64 कोडोन बने हैं, इनमें से क्या इनकी विशेषताएं होती है उसके बारे में चलो हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी का देता हूँ, स्पेसिफिसिटी ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की विशेषता। तो जेनेटिक कोड की विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट ये है कि जेनेटिक कोड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5′ to 3′। सेकेंड जो इसकी विशेषता है कि इसमें टोटल कितने कोडोन होते हैं, 64 कोडोन इसमें पाए जाते हैं। ओके, 64 होते हैं।
थर्ड बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिए हुए होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लिए होते हैं, एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके रखते हैं। 61 कोडॉन ही इसके काम के होते हैं। 61 जो कोडॉन है उनके अंदर ही क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन। ओके, डीकोडिंग करते हैं एमिनो एसिड को, लेकिन इसकी जो तीन कोडॉन है, थ्री कोडॉन, उनमें नो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी एमिनो एसिड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। थ्री कोडॉन ऐसे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, पता है इन कोडॉनों को हम, मैं देखिए रेड कलर से इनको चिन्हित कर रहा, मार्क कर रहा हूं, इनको हम स्टॉप कोडॉन भी कह सकते हैं। स्टॉप कोडॉन, समापक कोडॉन, निरर्थक प्रकोट, सेंसलेस कोडॉन भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो 61 ही काम के होते हैं जो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोडिंग करते हैं, थ्री कोडॉन ऐसा कोई काम नहीं करते। इन कोडॉनों के हम नाम भी बता सकते हैं, यानी हम UAA, UAG और UGA, ठीक है, इन तीन नामों से हम जानते हैं, UAA, UAG और UGA। तो ये तीन हमारे स्टॉप सिग्नल में जाते हैं, स्टॉप कोडॉन में जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात है हमारी वो ये है कि ये जो 61 कोडॉन है, इन 61 कोडॉन में जो पहला कोडॉन होता है, फर्स्ट जो कोडॉन होता है वो होता है AUG। AUG इज फर्स्ट कोडॉन, आनुवंशिक कोड का पहला कोडॉन फिक्स है, यू AUG होता है। और ये AUG जो है ये क्या करता है, जिस एमिनो एसिड को कोडिंग करता है उसका नाम होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन को शॉर्ट में एमिनी कहते हैं। मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस की सीरीज में सबसे पहले आने वाला एमिनो एसिड, फर्स्ट आने वाला एमिनो एसिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे लिए ना फर्स्ट कोडॉन AUG होता है, और ये AUG जिस एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखता है, जिस एमिनो एसिड को कोडिंग करता है, उसका नाम क्या होता है, मेथियोनिन होता है। ओके, नेक्स्ट इसकी विशेषताओं में हो जाता है कि ये कॉमनलाइज होता है। ओके, इसके अलावा इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, नो ओवरलैपिंग। इनमें किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होती जेनेटिक कोड में, जैसे कि ओवरलैपिंग का मतलब है मैंने कोड लिख दी UAG और UACADCAGU ये लिख दिया है। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि मान लो UAC से कोई एक कोडॉन बन जाए और CAG से कोई दूसरा कोडॉन बन जाए, ये फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो जाए, तो इसमें सी क्या होगा, सी दोनों में कॉमन हो जाए, नो ऐसा नहीं हो सकता। इस टाइप का कोई भी कार्य इन जेनेटिक कोड में नहीं होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, आनुवंशिक कोड जो है यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल कोडॉन का मतलब है ईकोलाई जैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर मानव जैसे लार्ज ऑर्गेनिज्म तक, प्राणी तक जो ये कूट है ये समान होते हैं। समान का मतलब ये है कि यदि मान लो मेरे अंदर AUG मेथियोनिन को कोडित कर रहा है तो वो गाय में भी मेथियोनिन करेगा, भैंस में भी मेथियोनिन को करेगा, ड्रोसोफिला में मेथियोनिन को करेगा, चूहे में भी मेथियोनिन को करेगा, बंदर में भी मेथियोनिन को करेगा, ईकोलाई नामक बैक्टीरिया में भी वो मिथियोनिन एमिनो एसिड को ही कोडित करेगा AUG। तो यूनिवर्सल होता है, जैसा मेरे अंदर कोडित कर रहा है वही उसके अंदर कोडित कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसमें डीजेनरेट कोड, आनुवंशिक कोड
ये जो कोडोन है वो डिजेनरेट होते हैं, अब हिरासित होते हैं। डिजेनरेट या विरासित का मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप देखते हैं 61 कोडोन 20 एमिनो एसिड को कोडिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर डिस्कस निकल रहा है कि किसी एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोडित करते हैं। 20 एमिनो एसिड को कोडित करने के लिए कितने कोडोन है? 61। इट मींस किसी एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा मोर देन वन कोडोन जो है क्या करते हैं? कोडित करते हैं। इसी का मतलब होता है आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।